मेरा नाम विकास है सर, स्टेट बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिसर हूँ। हम नई बनने वाली बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर अप्रूव करते हैं, और अगर लेआउट रूल के हिसाब से ना हो तो हम परमिशन नहीं देते। हाल ही में कुछ लोग हॉस्पिटल की परमिशन लेने हमारे ऑफिस आए थे, पर सर उन्होंने सेफ्टी मेजर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मैंने मना कर दिया, उन्होंने जबरदस्ती की। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा पर साइन हरगिज नहीं करूंगा। फिर मेरे ऑफिस के कलीग से उन्होंने मेरे घर का एड्रेस निकलवाया और उन्होंने मेरी पत्नी को धमकी दी। मैंने आज तक आपके काम में कोई दखल नहीं दिया, ना ही आपसे कभी कुछ पूछा, पर आपके ऑफिस में आजकल जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे घर में भी तनाव का माहौल है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी पत्नी बच्चों की दुहाई देकर मुझसे कहती है कि मैं पेपर्स पर साइन कर दूं, पर नहीं, मुझसे ये गलत काम नहीं होगा सर। वो लोग कहते हैं कि अगर मैंने पेपर साइन नहीं किए तो वो मेरी फैमिली को एक एक करके मार डालेंगे। कल फाइल साइन करने का लास्ट डे है और तुम हमसे आज मिल रहे हो। अगर हम तुमसे आज के बजाय कल मिलते तो क्या होता? तब भी मैं साइन नहीं करता सर, बल्कि मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि ऑफिस जाते वक्त मैं सुसाइड कर लूंगा। अब ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये जनता गराज की लड़ाई है। कल का दिन हमारा होगा। पापा मैं बताऊं कल स्कूल में क्या हुआ? ये अभी ऑफिस से जा रहे हैं, जाके तुरंत साइन कर देंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ। ये साइन नहीं करना चाहते और करेंगे भी नहीं, यहां तक कि इन्होंने सुसाइड की प्लानिंग भी कर ली है। इनकी तरह बनना बहुत मुश्किल है, ये लाखों नहीं करोड़ों में एक है। मैंने यहां आपके बगीचे में एक पौधा देखा, बहुत खूबसूरत था, आपने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा है। ये उस पौधे की तरह निर्मल और सच्चे हैं, इनकी ताकत बनी है कमजोरी नहीं। ये हमारे जनता गराज का फोन नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक फोन। और ये मत सोचिए कि हम शहर से दूर हैं, हम सब आपके बहुत करीब हैं। आपके और खतरे के बीच की दीवार हैं हम। चले विकास। अरे वाह वाह, देखो हमारे ऑफिस का सुपरस्टार आ गया। देखा क्या रमेश, आज तो ऑफिस में बैठ के लाइव सुपरहिट मूवी देखने को मिलेगी, एकदम धमाल। उस मूवी का नाम होगा देगा विकास ऑटोग्राफ, वरना बेचारा खल्लास। मुकेश राणा के हॉस्पिटल की फाइल लाया, सारे डॉक्यूमेंट्स है, पूरे 23 साइन चाहिए, चल साइन कर। इतने सारे साइंस का, इतनी सारी फाइल्स का, आखिर तुम करते क्या हो? ये प्रोजेक्ट पास करने के लिए मुकेश भाई का नाम ही काफी है। प्रोजेक्ट रूल्स के मुताबिक नहीं है, इसलिए मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। क्यों बे, नशा करके आया क्या? मैं तो नहीं आया, पर मुझे लगता है जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसने नशे में बनाया होगा। मुकेश भाई से पंगा, तुझे अपने परिवार की फिक्र नहीं है क्या? मैं इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहा हूं।
बहुत चर्बी है तुझमें। तुझे यहीं तेरे ऑफिस में जिंदा गाड़ने के लिए मेरे आदमी बाहर खड़े हुए, समझा? तू सीधे तरीके से साइन करता है या फिर मैं उन्हें अंदर बुलाऊं? वो आएंगे दो पैरों पर जाएंगे चार कंधों पर। लेकिन बस दो मिनट रुक जा, मुझे जरा इन लोगों से बात करनी है, तब तक तू उन्हें बुला ले। इस गवर्नमेंट ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं वो अपने घर वालों से ज्यादा वक्त इस ऑफिस में एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये भी तो एक परिवार की तरह ही है ना, और अगर परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सारा परिवार साथ खड़ा होता है। अगर मुसीबत के वक्त परिवार वाले एक दूसरे का साथ छोड़ दें तो वो परिवार नहीं होता। सचिन फैन, मुझे याद है जब टीम कमजोर पड़ती थी तो सचिन के कंधों पर पूरा भार आ जाता था। आपका ऑफिस भी कुछ टीम इंडिया की तरह ही है। लोगों ने जैसे ठान रखी है कि यहां कोई तरीके से काम नहीं करने वाला है। बट डोंट वरी, आपके बीच भी एक सचिन है, इसे बस थोड़ा सा सपोर्ट दो और अपने उसूलों पर काम करने दो। ये भी आपकी टीम को जिताएगा। आपकी उम्र देखकर लगता है आप जल्दी रिटायर होने वाले हैं। मतलब बच्चों के लिए अच्छा खासा पैसा कमा कर रखा होगा आपने। अगर बच्चे काबिल हो ना तो बाप की कमाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और अगर नालायक हो तो जितना भी कमाओ कम पड़ता है। ये हराम की कमाई का कोई मोल नहीं है। जब आप सुबह अपने आप को आईने में देखते हो तो क्या खुद से आंखें मिला पाते हो? ऐसी कमाई का क्या फायदा जो सुकून की नींद भी ना दे पाए? सर्विस कैसे करते हैं वो विकास से सीखिए सर। सरकारी ऑफिस में अगर इस तरह के लोग हों तो इंडिया सिर्फ तरक्की नहीं, टॉप पर पहुंच जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब ऐसे लोग हमें डराने धमकाने आए तो हम भला किसके पास जाएं? उनके लिए जनता गराज है। ताकतवर लोगों को कमजोरों को डराने का बहुत शौक होता है, बट फॉर अ चेंज कमजोरों के पीछे ताकतवर लोग खड़े हैं। जनता गराज।
मैं आनंद, मुझे यहां बुलाने की वजह थैंक्स। सुनने में आया था कि पिछले कुछ महीनों से जनता गैराज में सब ठीक चल रहा था, गाड़ियों की रिपेयर के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा था। गुड, ये तो सबके लिए अच्छा ही था। सबके मतलब किसके लिए? पर अब जनता गैराज फिर से लोगों का मसीहा बन गई है, गाड़ियों के अलावा लोगों की मरम्मत भी हो रही है, मतलब खूनी खेल फिर से शुरू हो गया है। तुम्हारे और जनता गैराज के बीच क्या रिश्ता है बताओ? आपका और पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रिश्ता है? ये मेरा काम है और ये मेरा फर्ज है, और मुझे इस काम से बहुत प्यार है। ओ अच्छा, न्याय और अन्याय के बीच ऑन द स्पॉट फैसला कर देना ये तुम्हारा काम है, और बिना सोचे समझे बिना कोर्ट कचहरी गए लोगों को अपने हिसाब से सजा सुना देना ये तुम्हारा काम है? बात यह नहीं है कि हम क्या करते हैं, बात यह है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? तुम यंग हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, ये सब करते हुए तुम अपने आप से सवाल नहीं करते हो? ये बेवकूफी करके अपने आप को बहुत बड़ा हीरो और स्मार्ट समझते हो ना तुम? कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत और हक किसने दिया तुम्हें? आई कैन अंडरस्टैंड सर। एक काम करते हैं, लोगों से कहिए जनता गैराज के पास मत जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोगों को मेरी तरफ से अपनी तरफ ले आइए, ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन अगर जनता गैराज के सामने खड़े होकर लोगों ने कहा हम तकलीफ में हैं, तो फिर हम मदद करेंगे। आई होप दोबारा हमारी मुलाकात ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट सर।